हेलो दोस्तों, राम राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए नई रेसिपी लाई हूँ, जो हरी धनिया लहसुन की चटनी है। आप इसे स्टोर करके एक साल तक खा सकते हैं। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। मैंने 250 ग्राम धनिया, 200 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम हरी मिर्च, इसे मैंने अच्छे से धो करके काट लिया है। अब इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। आपको दिखाते हैं कैसे पीसेंगे। यह है मिक्सर की जार, इसमें सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च को डालेंगे और जितना पीसने में पानी लगेगा उतना ही हमें पानी लेना है। मैंने ये आधा गिलास पानी लिया है और मिक्सर के जार में डालेंगे, उतना ही पानी डालेंगे जितना पानी पीसने में लगेगा। मैंने आधा गिलास में भी थोड़ा सा पानी डाल लिए हैं। अब इसे पीस के दिखाती हूँ। हम इसे अच्छे से पीस लिया है। इसे पीसने में जो पानी लगा है, पानी मैंने आधा गिलास लिया था, आधा गिलास में भी थोड़ा सा बचा ही है। पीसने में जो पानी लगा है वो पानी दिख रहा है। इसे धूप में तब तक रखना है जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। आप देख सकते हैं इसमें जो पानी दिख रहा है, जो पीसने में लगा हुआ है, इसे हम धूप में रख देंगे। धूप में जब रखेंगे तो इसे बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसका पानी सूख चुका है। अब इसमें 100 ग्राम ये मैंने तेल लिया है, इसे इसमें मिक्स कर देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। ये मैंने नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को मिला देंगे। मैं यहाँ 3 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। ये बाकी बचे हुए तेल को भी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें हम तेल नमक अच्छे से मिला दिए और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच अजवाइन को लिए हैं और इसे क्रश करके डालेंगे। क्रश करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से इसमें डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे और इसे एक बाटली में भर करके रखेंगे इस तरह से। इसे मैंने देख सकते हैं बाटली में भर दिया है। अब इसे बंद करके अच्छे से धूप में 1-2 घंटा के लिए रख देंगे। इसे महीने में या 2 महीने पे बीच बीच में धूप दिखाते रहेंगे। ये आपका चटनी बनके तैयार है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रोटी, चपाती, पूरी या भेल पूरी के साथ, या किसी कचौड़ी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये चटनी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूले, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकूं।
तब तक के लिए राम राम।